सामने से दिख रहा है हमको करवैया का जो पुल है, ऊपर जाके देखेंगे कि यहाँ का जो है ऊपर से कैसा दिखता है पटना। जाते जाते हम लोग थक चुके हैं, तो पूरी तरह से ये जो है जाम हो जाएगा। यहाँ से जो है निफ्ट का जो है कॉलेज भी दिख रहा है। हम लोग जो है पहुँच चुके हैं बस स्टैंड, और हम लोग पहुँचने वाले हैं। देखिए सामने से दिख रहा है हमको करवैया का जो पुल है, वो सामने से दिख रहा है तो वो किस तरह से जो है लुक वाइज है। और देखिए हम लोग करवैया पुल के पास पहुँचे और उसके जा, और इस तरह से हम लोग जो है आज ऊपर जाके देखेंगे कि यहाँ का जो है ऊपर से कैसा दिखता है पटना। इस तरह से जो पुल है ऊपर की ओर बन चुका है और हम आज उसके ऊपर जाएंगे। और इसी के इस साइड में देखिए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी भी है, जो कि इस साइड में आपको दिख रहा होगा। और इस तरह से हम लोग ऊपर जाके देखते हैं कि कैसा यहाँ से हमें पटना दिखता है। और काफ़ी तेज़ी से इस पुल को बनाया गया है। और इस पुल की सबसे बड़ी खासियत क्या होगी कि इस पुल से जो है आप अगर आप बस स्टैंड की तरफ से चढ़ते हैं तो आपको अगर चिड़ैयाटर पुल तरफ जाना है तो भी जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से आप जो है इनकम टैक्स दुलम्बर की तरफ भी जा सकते हैं। यानी कि ये एक सिंगल ऐसा जगह बनाया गया है। और देखिए इस तरह का कंस्ट्रक्शन इस साइड में हुआ है, यहाँ तक आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है कंस्ट्रक्शन हुआ है। और इस तरह से जो है हमारा दिखता है आपका पटना। और यहाँ पे जो है निफ्ट का यूनिवर्सिटी है, निफ्ट कॉलेज भी यहाँ पड़ी है जहाँ से आप देख सकते हैं। अगर इस पुल से हम लोग नीचे देखें, यानी कि इस यहाँ से देखें निफ्ट यूनिवर्सिटी को भी आप देख पाइएगा। और इस तरह से जो है इसके किनारे से बना हुआ, तो काफ़ी लंबा पुल है। जाते जाते हम लोग थक चुके हैं। और अब देखिए इस साइड से जो है कितना दूर हम चला है, और वहाँ से हम लोग पैदल इस पे चल रहे हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव लुक के साथ ये जो है बन के तैयार होगा। तो ये ओवरब्रिज का बनना तो इसी साल कंप्लीट हो जाता, पर काफ़ी देर हो रहा है। यार थक गए हैं, काफ़ी देर हो गया है इस ब्रिज को बनाने में, पर काम चल रहा है, स्लोली स्लोली चल रहा है, क्योंकि इसके किनारे बगल अगल में रास्ता नहीं है। और अगर रास्ता को ब्लॉक कर देते हैं तो पूरी तरह से ये जो है जाम हो जाएगा। और जब तक पूरी तरह से इसको ब्लॉक करके नहीं किया जाएगा तब तक यह काम तेज़ी से नहीं चल पाएगी। तो आप देखिए यहाँ से जो है निफ्ट का जो है कॉलेज भी दिख रहा है, और यहाँ से आप देख रहे हैं कृषि भवन बिहार वो भी दिख रहा है आपका। तो इस तरह से जो है हमारा पुल काफ़ी दूर तक बन चुका है, और इस तरह से जो है आप देख रहे हैं। अब हम लोग जो है इससे वापस नीचे चलते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर आ गए हैं पैदल चलते चलते। ऐसा नहीं कि यहाँ से पैदल चलते चलते चल जाए हम आपका जो है कर भी गया, तो उतना दूर जा नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हमारे देख रहे हैं कि हम आपको अप टू डेट किए। चारों तरफ से जो देख रहे हैं यहाँ चारों तरफ से देख रहे हैं कि पिलर वगैरह सब चीज़ ढलैया तो हो चुका है, नीचे देख रहे ढलैया हो चुका है, सिर्फ जो बीच का रेलिंग वगैरह हो गया वो हो गया, किनारे से कुछ काम बाकी है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम 1 से 2 महीना का इस पुल पे काम है। और हम लोग जो है वापस नीचे उतर रहे हैं, और ये देखिए इस तरह से हम लोग को दिख रहा है नीचे। काफ़ी दूर आ गए हैं हम पैदल, आप लोग चलते हैं। यहाँ पे जो है ये पाइपलाइन बिछाया गया है वाटर के लिए भी, और इस तरह से साइड का व्यू है। इधर से देखिए आर्यभट्ट कॉलेज का भी व्यू आपको दिख रहा होगा, अमेजिंग। अगर ये पुल बनता है, अगर दोस्तों ये पुल बन जाता है तो समझिए कि पटना को जो हमारी जाम है उससे बहुत ज़्यादा छुटकारा मिलेगा। जो जंक्शन जाने में हमको प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि जो नीचे वाला जो रास्ता है वो काफ़ी पतला है, कहीं 10 फीट कभी 15 फीट इस तरह का रास्ता है, जिसके कारण क्या हो रहा था कि लोगों को जाने में परेशानियाँ बहुत हो रही थी। अब एक ही रूट से अगर दोनों साइड जाएगा तो सोचिए कैसे क्या हाल होगा। तो इसीलिए जो है इस रूट को, इसीलिए जो है इसको बना, ये बन जाकर तैयार होता है तो काफ़ी ज़्यादा सभी को आने जाने में सुविधा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सभी जगह पे जो है सिर्फ लोहा लक्कड़ रखा हुआ है, और इस तरह से इस पुल को जो है काफ़ी हद तक बनकर रेडी ही हो गया है, समझिए। रेलिंग वगैरह तो कंप्लीट हो गया है, इस साइड से रेलिंग भी कंप्लीट हो गया है और काम चल रहा है। थोड़ा इस पुल को बनने में जो है लेट हो गया है। और इस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा के लिए सामने देख रहे हैं कि गार्ड साहब भी हैं, और वो यहाँ पे देख रेख करते हैं इन सभी जगहों का। तो इस तरह से जो हमारा फ्लाईओवर है काफ़ी जल्द तैयार होने वाला है।
तो इस तरह से हम लोग इस पुल को देख रहे हैं। और दोस्तों बहुत गर्मी आज है, इतना गर्मी है कुछ कहने का नहीं, मेरे पूरे के पूरे बॉडी से यह पसीना चल रहा है। और इस तरह से देख रहे हैं यहाँ के लोग, सुरक्षा का कितना ध्यान है दोस्तों को फिक्र की, कि वो जो है हमारे स्टैंड को देखकर बोल रहे हैं कि स्टैंड उठा लीजिए। और ये देखिए पुल जो है नीचे से इसका, जब हम इसका दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से बना हुआ है, ये देखिए काफ़ी दूर तक बन चुका है ये पुल। इस का रेलिंग का काम जो है कंप्लीट हो गया है और आगे रेलिंग का काम चालू है। अगर हम दूसरे साइड की बात करें तो यह जो है करवैया पुल के थोड़ा सा नज़दीक तक बन चुका है। और इस तरह से देख रहे हैं कि पिलर जो है आपका करवैया पुल के पास पहुंच चुका है और ये नीचे से बेस तैयार हो गया और ऊपर की ओर खड़ी हो गया है। खाली ऊपर का बेस अभी तैयार नहीं हुआ और इस तरह से जो है इसका अप टू डेट रहा। यह जो है मीठापुर बस स्टैंड के उस साइड से जो है आप देखें कि बनकर रेलिंग वगैरह सब तैयार हो गया, पर इस साइड में जो है आपका भी सिर्फ पुल का जो है पाया का स्ट्रक्चर ही तैयार हुआ, मतलब कि काम कुछ फास्ट नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है पुल का जो पाया है वो काफ़ी तेज़ी से बन चुका है। और इस तरह से जो हमारा पटना के जो करवैया पुल का है ये अप टू डेट है। ये साइड में जो है अभी उतना काम नहीं हुआ, पिलर से तैयार हुआ है, पिलर तैयार होकर रह गया, पिलर का जो छड़ है वो बेस से ऊपर आ गया है, बस यही इतना काम साइड में हुआ है, बस पहुंचने वाली है, मगर काम तेज़ी से हो रहा है। ये देखिए और यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। वो साइड में जो है इसका ढलाई के लिए बेस को तैयार किया जा रहा है। और इस जो सामने दिख रहा है घेरा हुआ है उसके उस तरफ जो है आपका करवैया मोड़ है, जिसके एक तरफ जो है जीपीओ जाता है और एक तरफ जो है चड़ेटर पुल की तरफ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो काम का स्थिति है वो ठीक है और लेट हुआ है, पर बनके तैयार होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।